My top two is definitely these two names, Munawwar and Ankita, and my winner is Munawwar Farooqi. आयशा के आने के बाद मुनव्वर और मनारा की दोस्ती में चेंजेस आए. तुम अपने दोस्तों के लिए खड़े रहते हो, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए कहाँ खड़े रहते हैं. आई बिलीव अनफेयर था ओनली ऑन द बेसिस, क्योंकि जो नॉमिनेशन उस दिन हुई थी वो प्योरली ऑन चीटिंग बेसिस हुई थी. आई एम श्योर सब ने एपिसोड में देखा ही है कि वो टेलीफोन उठाना था जिस जो अभिषेक ने उठाया, ईशा संचालक थी तो उसने कहा नहीं अभिषेक के हाथ में फ़ोन नहीं था, समर्थ के हाथ में फ़ोन था. सो ऑन दोज ग्राउंड्स मैं बोलती हूँ अनफेयर था. अगर उस प्रक्रिया को बहुत फेयर तरीके से किया जाता और मेरा नाम आता मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट बिकॉज अनफेयर तरीके से मुझे नॉमिनेट किया गया सो डेफिनेटली अनफेयर है. आयशा के आने के बाद मुनव्वर और मनारा की दोस्ती में काफ़ी चेंजेस बदला हुआ है. हाल ही में जो हुआ सबने देखा, आयशा के आने के बाद मुनव्वर और मनारा की दोस्ती में चेंजेस आए, वो बढ़ गए चेंजेस, पर चेंजेस पहले आ चुके थे है ना, क्योंकि कई बार मुनव्वर को ये फीडबैक मिला गया था वीकेंड के बाहर पे दैट हट जाओ, आगे बढ़ो, मत करो, ये तुम अपने दोस्तों के लिए खड़े रहते हो, तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए कहाँ खड़े रहते हैं. तो ऑलरेडी मुनव्वर को थोड़ा वो एक था कि यू नो, और मुनव्वर ने बनाने के लिए रिश्ते नहीं बनाए थे, गेम के लिए, व्हाट आई मीन, उसने ऑर्गेनिकली बनाए थे. अब हाँ ये हो सकता है कि किसी के साथ एक 10 मिनट का रिश्ता है, किसी के साथ एक घंटे का रिश्ता है. कहने का मतलब ये कि मैं शायद इस इंसान के साथ 10 मिनट तक बात कर सकती हूँ, बट इसके साथ ना मैं घंटा भर भी बैठ के चर्चा में लगी रह सकती हूँ. तो मुनव्वर के रिश्ते फेक नहीं थे, बट मुनव्वर और मनारा के बीच में ऑलरेडी थोड़े थोड़े वो डिस्टेंस आ रहा था, क्योंकि दिस वाज द फीडबैक गिवन टू मुनव्वर, राइट. और उस दौरान आयशा आ गई, तो अब वो पहले अपनी जिंदगी को सही करे कि मनारा को वो अटेंशन दे. बट मनारा बीइंग मनारा, उसे सिर्फ अटेंशन चाहिए, क्योंकि दोस्ती उसके लिए वही है कि आप मुझे अटेंशन नहीं दे रहे. अब मेरा फन कौन करेगा मैम, अब मैं बात किससे करूंगी. मैंने उसको कहा, मैंने कहा मनारा मैं तेरे साथ 4 घंटे बात नहीं कर सकती, मैं 1 घंटा बात कर सकती हूँ, यू नो एज अ फ्रेंड दिस इज व्हाट आई कैन डू फॉर यू. बट वो जो तेरा फन, तेरी वाइब, तेरी ट्राइब है भैया, मैं वो पूरी नहीं कर पाऊंगी. तो दैट यू सी क्विकली आई टेक टू नेम्स एंड टेल मी हु इज मोर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस गेम, मुनव्वर और अंकिता, किसने होमवर्क बहुत अच्छे से किया. मुझे लगता है दोनों ने ही किया होगा अपने अपने तरीके से. रीजन बीइंग उन दोनों को जितना मैंने उनके मुंह से सुना वहाँ घर में, कि लिटरली 3 मंथ्स पहले बिग बॉस इनवाइट आ गया था या बातें शुरू हो गई थी, समथिंग लाइक दैट. दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम मिला टू प्रिपेयर, सो आई थिंक बोथ आर प्रिपेयर. माई टॉप टू इज डेफिनेटली दीज टू नेम्स, मुनव्वर एंड अंकिता, एंड माई विनर इज मुनव्वर फारूकी. Thank you so much, Rinku Di. Thank you so much.